दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। फिर से एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गाड़ियों पर बात करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो अगले 2 या 3 साल में भारतीय बाज़ार से डिस्कंटिन्यूड हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया की सबसे चहेती कंपनी, जिसका मार्केट में 51 से 53% का शेयर वो अकेली कंपनी होल्ड करती है मार्केट में। तो बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया के बारे में। पिछले साल 2017 में मारुति सुजुकी ऑलरेडी अपनी रेट्स को बंद कर चुकी है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन हुआ करता था, ऑल्टरनेट ऑप्शन मारुति सुजुकी स्विफ्ट के लिए। लेकिन हाल ही में मारुति ने अपनी ओमनी और इको जो है उसके लिए एम्बुलेंस के लिए जो ऑर्डर लेते थे या बुकिंग लेते थे उसे बंद कर दिया है। फिलहाल नॉर्मल ओमनी और नॉर्मल इको अवेलेबल रहेंगे, बट अगले 2 या 3 साल में 2020 तक ये दोनों गाड़ियां डिसकंटिन्यू होने की उम्मीद की जा रही है। आगे की तरफ मुड़ते हैं जिप्सी। काफ़ी सालों से जिप्सी मेड टू ऑर्डर पर चल रही थी, बट अब ये उम्मीद की जा रही है कि जिप्सी भी अगले 2 से 3 सालों में इसे भारतीय बाज़ार से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। मुड़ते हैं अगली कंपनी की तरफ दोस्तों। अगली कंपनी है ह्युंडई। ह्युंडई के पास में जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में से मुझे ऐसे लगता है कि 3 ऐसी गाड़ियां हैं जिनको जल्द ही बंद हो जाना चाहिए। एक तो ऑलरेडी वो बिना बताए बिना अनाउंस किए संताफे को बंद कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद में आती है ईऑन, जो 2020 तक स्टेज 6 जो है, भारत स्टेज 6, उसके नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसे डिसकंटिन्यू किया कर दिया जाएगा ऐसी उम्मीद है। और उसके साथ में उम्मीद है आई10 की भी। ये वो 2 गाड़ियां हैं जो अगले 2 साल में 2020 तक बंद होने की उम्मीद है, और संताफे को मारुति ऑलरेडी ह्युंडई ऑलरेडी बंद कर चुकी है। आगे की तरफ मुड़ते हैं, अगली कंपनी है होंडा। होंडा जो है अपनी ब्रियो से होंडा को काफ़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन उस तरीके की सेल या उस तरीके का मार्केट रिस्पांस ब्रियो को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि होंडा इसे जल्द ही आने वाले 1 या 2 साल में इसे बंद कर देगी। एक और बुरी चीज़ है, लॉन्च होने के बाद 3 साल में ही होंडा को मोबिलियो को बंद कर देना पड़ा, जो कि एक और बड़ा झटका है होंडा के लिए। आगे की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों, अगली कंपनी है फियाट, जिसके बहुत सारे इंजिन हैं जो मारुति आउटसोर्स करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी हो जाता है, मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है, लेकिन फियाट की अपनी खुद की गाड़ी नहीं बिक पाती है। तो पुंटो वो एक गाड़ी है जिसे बहुत सारे नामों से उन्होंने रीलॉन्च किया, फेसलिफ्ट किया, चेंजेस किए, बहुत सारी चीज़ें की इस गाड़ी के साथ में, लेकिन फिर भी इस गाड़ी की सेल उतनी नहीं रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 से 2 सालों में फियाट अपनी पुंटो को सेम चीज़ करेगी एवेंचुरा के साथ में, और वो लोग जाएंगे लीनिया के साथ में भी। तो उम्मीद करते हैं 2020 तक ये 3 गाड़ियां हैं जिसको फियाट बंद कर देगा। ये जितनी भी गाड़ियां या कंपनी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसका रीज़न ये नहीं है कि ये कंपनियां बुरी हैं या इनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, बट वक्त के चलते आने वाली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी और कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनकी सेल उतनी नहीं हो पा रही है। ये भी होने वाला है कि कुछ गाड़ियां भारत स्टेज 6 के जो नॉर्म्स आने वाले हैं उसे फुलफिल ना कर पाए, इसकी वजह से ये गाड़ियां जो है डिसकंटिन्यू होने वाली हैं। आगे की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों, एक और भारतीय कंपनी महिंद्रा। महिंद्रा के पास में मेरे हिसाब से कुल मिलाकर 3 से 4 गाड़ियां हैं जो उनको आने वाले 2 सालों में या 2020 तक वो लोग डिसकंटिन्यू करेंगे। पहली गाड़ी है महिंद्रा की नोवो स्पोर्ट्स, जिसको उन लोगों ने क्वांटो को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फ्रंट लुक चेंज करके बना दिया था, ज़बरदस्ती उसे 7 सीटर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस गाड़ी की सेल बहुत ही ना के बराबर है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि उसे कोई ख़रीदता ही नहीं है। तो ये वो एक गाड़ी है। अगली गाड़ी है जाइलो। जाइलो का मॉडल काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, और उसकी प्राइस रेंज में जाइलो खरीदने की बजाय उसी कंपनी की एक स्कॉर्पियो आप बहुत अच्छे तरीके से खरीद सकते हो, जो कि एक अच्छी गुड परफॉर्मिंग व्हीकल है। तो मुझे लगता है कि जाइलो को बंद हो जाना चाहिए। मुड़ते हैं वेरितो की तरफ और वेरितो वाइप। ये टोटल 4 गाड़ियां हैं। वेरितो भी उतना अच्छा नहीं कर रही है और वेरितो वाइप भी उतना अच्छा नहीं कर रही है। बहुत ही आउटडेटेड डिज़ाइन, इंटीरियर
परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वेरितो और वेरितो वाइप ये दोनों गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2 सालों में इन्हें भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों और मुड़ते हैं टाटा की तरफ। टाटा के पास भी कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको टाटा, मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 सालों में डिसकंटिन्यू कर देगा। सबसे पहले तो उन्होंने जो उनकी सफारी थी उसके डाइकोर को उन्होंने ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब आगे कंपनी नैनो की सेल उतनी ना होने की वजह से और आज के कंपटीशन में वो नहीं टिक पाएगी, तो उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 सालों में नैनो दिखनी बंद हो जाएगी। उसके बाद में उनकी जो इंडिगो है, इंडिका है और टाटा की जो बोल्ट है, ये कुछ गाड़ियां हैं जो उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 सालों में इनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। मुड़ते हैं रेनो की तरफ। रेनो काफ़ी सालों से इंडियन मार्केट में अपने पांव, अपनी जड़ जमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि डस्टर ने उसे अच्छा खासा बेस प्लेटफॉर्म दे दिया है इस मार्केट में, लेकिन फिर भी रेनो कुछ उतना खास नहीं कर पा रही है इंडियन मार्केट में। अगर मैं इस गाड़ी का प्रोनाउंसिएशन ठीक से ना कर पाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन कोलियोस करके एक गाड़ी थी जिसे रेनो ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। स्काला इज ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड और पल्स करके एक और गाड़ी है दोस्तों जिसको रेनो ने डिसकंटिन्यू किया है, और उम्मीद की जा रही है कि रेनो की जो लॉजी है जिसकी सेल बहुत ही कम है इस सेगमेंट में, तो उसे रेनो जल्द ही डिसकंटिन्यू करने की उम्मीद है 2 से 3 सालों में, मैक्सिमम 2020 तक रेनो इसे डिसकंटिन्यू कर देगी। मुड़ते हैं उसी की सिस्टर कंसर्न कंपनी निसान की तरफ। निसान जो है सनी को जल्द ही बंद करने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि जब ये कार लॉन्च हुई थी तो इनिशियली सेल कुछ अच्छा था, गाड़ी में कुछ ज़्यादा ही स्पेस होने की वजह से कुछ अच्छे मोमेंट्स देखने को मिले हैं इस गाड़ी को, लेकिन ये गाड़ी फिलहाल आज के टाइम में उतना कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है, तो ये गाड़ी जल्द ही डिसकंटिन्यू होने की उम्मीद की जा रही है। प्लस माइक्रा ऑलरेडी मार्केट से एग्जिट हो चुकी है, उसी बेसिस पे रेनो ने पल्स को भी मार्केट से एग्जिट ऑलरेडी दे दी है। मुड़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। कंपनी है स्कोडा दोस्तों। स्कोडा येती पहले ही बंद हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्कोडा को येती के साथ में, चूंकि SUV सेगमेंट में उस प्राइस रेंज में बहुत ही छोटी गाड़ी थी और इंडियन कंज्यूमर की मेंटालिटी के हिसाब से उस सेगमेंट में उतनी प्राइस रेंज में इंडियन कंज्यूमर एक बहुत बड़ी गाड़ी, एक बड़ा हाथी एक्सपेक्ट करता है, जो कि येती उस मामले में फेल होती है, जिसकी वजह से उसकी सेल उतनी अच्छी नहीं रही और उसे कंपनी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक और गाड़ी है दोस्तों जिसे स्कोडा को डिसकंटिन्यू करना चाहिए या उम्मीद है कि अगले 2 सालों में उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, वो है स्कोडा की सुपर्ब। आप कितने भी अपडेट लेकर आ जाइए सुपर्ब की, लेकिन जिस सेगमेंट में और जिस कॉम्पिटिशन में मर्सिडीज ऑडी के साथ में ये गाड़ी खड़ी होती है, तो इंडियन कंज्यूमर उस प्राइस रेंज में उस पर दाम लगाना कभी भी कोशिश नहीं करता है। ही विल ऑलवेज गो विद द ट्रस्टेड ब्रांड विच विल गिव हिम अ मोर ब्रांड वैल्यू। तो मुझे लगता है कि स्कोडा सुपर्ब को भी अगले 2 सालों में डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। ह्युंडई की एक और गाड़ी है दोस्तों ट्यूसॉन, जिसे मुझे पता नहीं क्यों ह्युंडई कलेजे से लगाए बैठी है। आज की डेट में उसे इस मार्केट में नहीं होना चाहिए, और अगर ह्युंडई चाहती है कि उसे इस मार्केट में होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ह्युंडई को कुछ मिरेकल करके उसे कम्प्लीटली नए प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के साथ में रीलॉन्च करना पड़ेगा, तभी ये गाड़ी रह पाएगी, वरना ट्यूसॉन को भी अगले 2 से 3 सालों में इस मार्केट से डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। फिर से एक बार मुड़ते हैं मारुति की तरफ दोस्तों। मारुति के पास एक और प्रोडक्ट है जो भारतीयों की बहुत ही चहेती कार है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आज की डेट में ये गाड़ी बहुत ही आउटडेटेड और बहुत ही पुरानी हो चुकी है और इसे डेफिनेटली डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए। आप कब तक इसे कलेजे से लगा के खींचोगे, बहुत ही बुरी बात है ये। और उस गाड़ी का नाम है दोस्तों वैगन आर। कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है, 70 के ऊपर अगर आप उसे हाईवे पे दौड़ाते हो तो पूरी गाड़ी हिल जाती है। बहुत ही आउटडेटेड कार हो चुकी है और मुझे ऐसे लगता है कि मारुति को इसे जल्द से जल्द डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अगर कोई गाड़ी मेरे से छूट गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में उन गाड़ियों के नाम आप ज़रूर ऐड कीजिएगा।
जो इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में मैंने शेयर की है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना मत भूलिएगा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि पहले सबसे पहले एज अ वीआईपी सब्सक्राइबर आपको हमारे वीडियोस मिल सकें। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई हों। जब तक हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का ध्यान रखिएगा, पालन कीजिएगा और अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।